अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी आज का दिन वहीं से हम शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले चाय पियेंगे। अच्छा, मुझे ऐसे होता है ना कि मैं जब चाय ना पीऊँ ना तो बिल्कुल मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मुझे अब आगे करना क्या है, क्योंकि घर पे अगर इंसान बैठा होता है ना तो बहुत बोर होता है। मैं तो चाय भी बिल्कुल दूध वाली नहीं पीती, जो दूध पत्ती वैसे लोग पीते होते हैं। मुझे वो थोड़ा सा हैवी लगता है सुबह सुबह एकदम से चाय पीनी भी नहीं चाहिए, बट क्या करें, अब फिर दिमाग काम नहीं करता। मैं पानी बॉयल करके स्ट्रेट उसमें बस डाल के मिक्स करके और थोड़ा सा उसको कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा मिल्क डाल लेती हूँ, बस दैट्स इट। मैं ज़्यादा मिल्क नहीं कंज्यूम करती, किसी भी वे में नहीं करती। अब हाँ, करना तो चाहिए लेकिन क्या करें ध्यान नहीं रहता। या आप लोग मुझे बताइए, आप लोग के दिन कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो बोरियत इतनी चढ़ी हुई है ना कि कोई कंटेंट कुछ बनाने को दिल ही नहीं करता, ना कुछ समझ आती है कि बंदा क्या करे। ये दी मैं सबसे पहले अपनी चाय लेके जा रही हूँ, आराम से बेड पे बैठ के पीऊँगी। और इत्तेफाक से एकदम से मौसम इतना प्यारा, बारिश होना शुरू होगी, तो बहुत मज़ा आया चाय पी के, आराम से सुकून से बैठ के तो चाय पी मैंने। दूसरी तरफ फिर मेरा पैकेज आ गया था, मेरा तो नहीं था, खैर मैंने अपनी नीस के लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो वो पैकेज आ गया था, एथनिक से ऑर्डर किया हुआ था, तो अच्छे थे, बहुत प्यारे कपड़े थे उनके, एथनिक सो एज़ ऑलवेज़। आज मैं बोर हो रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। एक तो कुकिंग डिसाइड करना ना अजाब का काम होता है, फिर कुछ बनाना भी ज़रूरी था, तो फिर मैंने राइस बनाने का सोचा। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं, उनमें मैंने ऑयल डाल लिया है, मैं तकरीबन 2 ग्लास के हिसाब से आपको रेसिपी बताऊँगी, और उसमें हम पुलाव मसाला डालेंगे। इससे आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से इन्हेंस होगा और टेस्ट बेहतरीन निकलेगा। तो जो प्याज हैं उनको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे, ब्राउन होने के लिए। यहाँ पे जो मैंने छोले हैं उनको मैंने प्रेशर दे लिया है और 100% फुली कुक हो चुके हैं। यहाँ पे प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे उनमें मैं डाल लूँगी एक जो पुलाव क्यूब होता है ना, बेसिकली ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अगर पुलाव मसाला भी डालेंगे तो उससे भी अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, मैंने कहा वैसे ही एक्सपायर हो रहे हैं तो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्यूब डाल लिया है। अब इसमें अगर आप जिंजर गार्लिक डालना चाहें तो वो भी डाल लें, असल में मेरे पास अवेलेबल नहीं थे सो आई स्किप्ड, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैंने उनमें टमाटर डाल लिए हैं, 2 बड़े बड़े टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, वो डाल लिए हैं, साथ में मैंने मिर्ची भी डाल ली हैं। जो स्पाइस है लेवल वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो ग्रीन मिर्चें हैं ना बड़ी ही तेज़ हैं, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है मैंने वो भी कट करके डाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, साथ में पुलाव मसाला डालेंगे, मैंने आधा पैकेट डाला है क्योंकि मैंने और भी मसाले डालने थे, तो अगर आप और मसाले स्किप करना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ पूरा पैकेट डालें। यहाँ पे मैं 1.5 जो टीस्पून होते हैं वो रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे बात है कि कितना स्पाइस आपको पसंद है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर नहीं भी डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत बेहतरीन निकलेगा। अच्छा, सॉल्ट जो है वो राइस में ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने 1 टीस्पून होता है वो डाल लिया है साथ में सॉल्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पुलाव मसाला है उनमें सॉल्ट होता ही है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो टमाटर है उनको गलने के लिए सही से रख दिया है, ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, उनमें हम अपने बॉयल्ड छोले डाल लेंगे, ये 100% फुली बॉयल्ड हैं, बस सिर्फ इसमें डाल के हमने इसको थोड़ा सा जो है भूनना है, ताकि जो सब मसाले हैं वो एक ही साथ में मिक्स होके मिलकर अच्छा सा टेस्ट बना लें। ये मैंने ग्रीन चिली डाली है, ये आप स्किप कर दें क्योंकि बहुत ही तेज़ थी। यहाँ पे मैंने राइस को भिगो के वॉश करके बासमती राइस यूज़ किया है, वो मैंने इसमें डाल लिया है, और पानी जो है आप इतना डालेंगे कि ये बस सिर्फ कवर हो जाए, क्योंकि बासमती राइस में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया है, बीच बीच में आप एक आध दफ़ा मिक्स भी कर लीजिए ताकि नीचे ना लगे, राइस को ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता, बट एक आध दफ़ा जब तक पानी है आप मिक्स कर सकते हैं। ये जी रहा फाइनल लुक, और इसको हम दम पे रख देंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी क्विक ईजी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।